आपने कहा कि जब बुरा ख्वाब देखता है कोई इंसान तो छह काम करना चाहिए, तो वो छह काम क्या है? अगर इंसान ये देखे कि घबरा कर उठ रहा है, परेशान है, पसीना पसीना हो चुका है, उसको ऐसा लग रहा है, तो बज़ाहिर बाज़ोकात बुरे ख्वाब होते हैं, ताबीर बताने पर वो अच्छे हो सकते हैं, वक्ता तौर पे तो उसको तकलीफ़ हो रही है। जब तक उसको सही ताबीर नहीं मिलेगी तब तक तो कॉमन सेंस से बतला रहा है कि वो बंदा परेशान है। जी तो क्या करे, एक आदमी अचानक घबरा कर उठा तो क्या करेगा? तो उसमें हमको जो अहादीस शरीफा में जो बातें अलग अलग जगह पर आई है, उलमाए कराम ने उसको जमा करके कहा कि छः काम में से एक काम या पूरे छः काम अगर कर सकता है तो ज़रूर करे। जैसे ही वो घबरा कर उठेगा उसमें ताऊद बिल्लाहि मिन शैतान रजीम, क्योंकि बुरे ख्वाब किसकी तरफ से होते हैं? शैतान की तरफ से, ताकि कंटिन्यू ना हो। आपने जैसे ही पनाह मांग ली, अब शैतान का आपके ऊपर से हमला और कब्जा ख़त्म। सूरह मुजादला नंबर 58 के आयत नंबर 10 में इन्नमन नजवा मिन शैतानी, बुरे ख्वाब जो होते हैं वो शैतान की तरफ से होते हैं। इन्नमन नजवा मिन शैतानी लियहज़ुनल्लज़ीन आमनु, शैतान क्या चाहता है? इंसान को गम में डालना चाहता है। उसको बड़ी खुशी होती है अगर इब्ने आदम गम में हो, क्योंकि वो अपना बदला लेना चाहता है आदम अलैहिस्सलाम को जो सजदा करवाया गया। उस हसद की आग में, तकब्बुर और इस्तकबार में वो बंदे को गम में डालता है। तो हमारे लिए एक फार्मूला बता दिया कि आप गम में मत आओ, औज़ु बिल्लाह मिन शैतान जी पढ़ लो, गम में क्यों आते? तो उस गम में आकर उसको और खुश क्यों कर रहे हो? पहला काम। दूसरा काम ये भी हमें मिलता है कि लेफ्ट साइड पर 3 मरतबा आहिस्ता से नफस आया है, मतलब ये थूकना नहीं है, ऐसी थूक के कुछ छींटे ऐसा अगर निकल जाए काफ़ी। आप ज़ोर से थूक रहे हो, सकता लेफ्ट पे कोई सो रहा होगा बेचारा। तो मतलब हमको कॉन्टेक्स्ट में सही समझने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि कहीं हमारी वजह से कोई शरीयत का मजाक ना उड़ा। तीसरा ये है कि वजू का जिक्र आया है। वजू वैसे भी अगर आप उठते हैं और वजू करते हैं, वजू पर सोना एक सुन्नत भी है, मशरू भी है, तो यकीनन फिर वो कंटिन्यू नहीं होने के चांस है। करवट बदलने से भी कंटिन्यू वही चीज़ कंटिन्यू नहीं होने का चांस होता है। इसी तरह से 2 रकात नमाज भी पढ़ने से फ़ायदा होता है। वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, कि तुम सब्र और सलाह के जरिए से अल्लाह से मदद मांगो। बहुत ज़्यादा खौफ है तो 2 रकात पढ़ लिया करो। छठवां काम यह है कि आप हसद करने वाले को ना बताओ, बताना भी अगर है तो इल्म वाले को बताओ, नासिह को बताओ। ये हमें तालीमात मिलती है।